बच्चों, आप लोगों की आज की क्लास यहीं खत्म होती है और कल स्कूल में फंक्शन है तो कोई भी बच्चा बैग लेके नहीं आएगा, सब बच्चे बिना बैग के आएंगे। ओके? यस मैम। ठीक है, बाय बच्चों। बाय। अरे ये सारी किताब हाथ में लेके क्यों जा रहा है? बैग लेके चला जा। मम्मी, मैडम ने सख्त मना किया था कि आज स्कूल में कोई भी बैग लेके नहीं आएगा। अरे पागल, सुन तो मेरी बात। पता नहीं आजकल के कैसे बच्चे और कैसे ही टीचर हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मैम। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बच्चों, बैठ जाओ बैठ जाओ। थैंक यू मैम। रचित, एक बात बताओ, तुम ये इतनी सारी बुक्स लेके क्यों आए हो? कल बोला था ना कि आज बैग नहीं लेके आना। हाँ तो मैम, आपने बोला था कि बैग नहीं लेके आना, कहाँ लेके आया हूँ मैं बैग? मैं तो बुक्स लाया हूँ बस। अरे बेवकूफ, इसीलिए तो 4 साल से एक ही क्लास में, और तेरे साथ के बच्चे कहाँ पहुँच गए? नालायक कहीं का। और अगर तेरी यही हरकतें रही ना तो आगे आने वाले 4 साल भी तू इसी क्लास में बैठेगा। स्टूपिड। भाई वैसे बैग क्यों नहीं लेके आना कल? अरे पागल, तू समझा नहीं, बैग नहीं लेकर आना, सिर्फ किताबें लेकर आनी है। अच्छा हाँ, फिर ठीक है। तू किताबें नहीं लाया? नहीं भाई। और बैग? बैग क्यों ला रहा था, मैम ने मना तो किया था। साले आराम खोर, मैडम ने बोला था बैग नहीं लेके आना, लेकिन तू मेरे को बोला कि बुक्स लेके आनी है। मेरा पागल बनाया तूने? अबे दोस्ती के नाम पे कलंक है तू, आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। और बात सुन, आज के बाद मैं तेरे से बात नहीं करूंगा कभी। और घर से पैसे लेके आया हूँ समोसे खाने के लिए, तेरे को खिलाऊंगा भी नहीं। अबे नहीं भाई यार, आई एम सो सॉरी भाई, दोस्ती में तो इतना चलता है यार, भाई माफ कर दे प्लीज यार, प्लीज मैं चल। अबे भाई भाई अबे यार, आज तो होमवर्क चेक होगा और मैंने तो कुछ काम ही नहीं किया। सर वो हमें ना बाहर जाना है प्रिपरेशन के लिए। कैसी प्रिपरेशन? सर वो 15 अगस्त आ रहा है ना, तो उसके फंक्शन में हमने पार्टिसिपेट किया है, तो बस उसी की प्रिपरेशन के लिए जाना है। अच्छा अच्छा ठीक है, जाओ। भाई मौका। मौका? कैसा मौका? अभी तूने होमवर्क किया है? नहीं भाई, मैंने तो नहीं किया। हाँ तो फिर चल, हमने भी पार्टिसिपेट किया है फंक्शन में। हमने? हमने कब पार्टिसिपेट किया? अरे हमने किया है ना, अभी किया है। अब कब? अबे बकवास मत कर, खड़ा हो, चल चल चल। सर हमें भी बाहर जाना है। क्यों? वो सर, हम लोगों ने भी 15 अगस्त के फंक्शन में पार्टिसिपेट किया है, हमारी प्रैक्टिस है। नाम लिखवा रखा तुमने? हाँ हाँ, बहुत पहले से। अच्छा तो किस चीज में पार्टिसिपेट कर रखा तुम दोनों ने? क्या करोगे तुम दोनों? सर ये गाना गाएगा वो, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। अबे गा के सुनाना सर को। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार। बस बस बस, कान में दर्द कर दिया, बचपन का प्यार, बचपन का प्यार। हाँ भाई, और तू क्या करेगा? सर मैं डांस करूंगा। अच्छा तुझे डांस आता है? मेरे डांस पे कोई शक है क्या सर आपको? कहो तो भी करके दिखाऊं। गाना गावे चल। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है, जा तुझे किया है। चुप चुप, बिल्कुल चुप। अगर अब की बार एक बार और बोलती ना तुमने ये लाइन, तो हमेशा के लिए क्लास से बाहर कर दूंगा अपनी। जाओ जाओ प्रैक्टिस करो अपनी, निकलो यहां से। सर मैंने भी पार्टिसिपेट किया है फंक्शन में। अच्छा तू क्या करेगा वहाँ पे? अरे सर सबसे मेन रोल मेरा ही तो है। ऐसा क्या कर रहा भाई तू? अरे सर वो जो रामायण वाला सीन है ना, उसमें पेड़ मैं ही तो बनाऊं। ठीक है निकल तू भी। सारे आराम खोर इस क्लास में भरे पड़े हैं। भाई
भाई बच गए आज तो, अब एक हफ्ता मौज होने वाली है अपनी। सही कह रहा भाई, चल अब एक काम करते हैं, 15 अगस्त की लिस्ट में नाम लिखवाते हैं। मैडम को फ्री होने दे थोड़ा। ये तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, करने क्या आए हो, बंक करके आए हो ना क्लास? नहीं मैडम ऐसा कुछ नहीं है, हमें भी करना है। क्या करना है? मैम हमें भी पार्टिसिपेट करना है 15 अगस्त के फंक्शन के लिए। अच्छा ऐसे करते हैं पार्टिसिपेट, तुम दोनों पहले मुझे ये बताओ क्या लिस्ट में तुम्हारा नाम है? मैम नाम ही तो लिखवाने आए हैं हम लोग। नाम लिखवाने का टाइम गया, अब नहीं लिखा जाएगा नाम। मैडम वो हम थोड़ा सा लेट हो गए होमवर्क वगैरह कंप्लीट करने के चक्कर में, लेकिन हम लोग है बहुत टैलेंटेड, प्लीज मैडम हमारा नाम लिख लो। जब टाइम था ना तब लिखवाना था नाम, अब चलो भागो यहाँ से, पहुंचो अपनी क्लास में। प्लीज मैडम ऐसा मत करो मेरे साथ, प्लीज मेरा नाम लिख लो। मैडम मेरा सपना है कि मैं 15 अगस्त के फंक्शन में पार्टिसिपेट करूं। मैम आप हमारे अंदर की कला को पहचानो, कदर करो हमारे टैलेंट की। अच्छा ठीक है नाम बताओ अपना दोनों। अरे मैम नाम लिखने से पहले इनका टैलेंट तो देख लो। पॉइंट गुड। हाँ भाई चलो दिखाओ क्या टैलेंट है तुम दोनों के अंदर। मैडम मैं बहुत अच्छा नाच लेता हूँ और ये बहुत अच्छा गाना गा लेता है। अच्छा और तेरे अंदर क्या टैलेंट है? मैडम मैं ना बहुत अच्छा पेड़ बन लेता हूँ। पेड़ बन लेता हूँ? धूप सदा सहता है पेड़, छाया हमको देता पेड़। भाग चल यहाँ से, निकल अपनी क्लास में। पेड़ बन लेता हूँ। और तुम दोनों चलो क्लास में अपनी, बंक करके आए हो ना क्लास, अभी बता दूंगी तुम्हारे क्लास टीचर को, चलो क्लास में। मैम आप हमें प्लीज एक मौका तो दो, हमारा देश आपको पता है क्यों पीछे रह जाता है? क्योंकि हमारे देश में टैलेंट की कदर नहीं है। ओलंपिक्स में हम सिर्फ 7 मेडल क्यों लाए, हम 70 मेडल ला सकते थे, यहाँ हमारे देश में कोई सच्चे टैलेंट को कदर नहीं देता। चलो एक काम करो दोनों मुझे अपना टैलेंट दिखाओ। चल भाई हो जा शुरू। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। ए नालायको इतना घटिया टैलेंट है तुम्हारा, क्लास बंक करके घूम रहे हो ना, अभी बताती हूँ तुम्हें मैं, रुको। चलो आज तुम्हारी कंप्लेंट करती हूँ। सर आप इन दोनों के क्लास टीचर है ना? हाँ जी। नीचे आए थे ये दोनों कि 15 अगस्त के फंक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, कुछ नहीं आता इन दोनों को, इन दोनों को क्लास में बैठाओ और पढ़ाई करवाओ, नालायक कहीं के गधे। अच्छा ये नाम लिखवा रखा था तुमने, मेरे से झूठ बोल के क्लास में से गए, मेरा उल्लू बनाते हो। सॉरी सर वो तो हम बस अपना टैलेंट दिखाना चाहते थे। बेटा तुम अब मेरा टैलेंट देखोगे। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta... तबियत खराब कर दी, और मेरी मैडम भी नाराज करवा दी। कमीना भागो यहाँ से। साले आराम जादे, कहीं के। बच्चों, आज आप लोगों को फंक्शन स्टार्ट होने से पहले 2 पीरियड पढ़ाई करनी है। अरे नीनी मैडम पढ़ाई नहीं करेंगे, नहीं करेंगे मैम, प्लीज मैम प्लीज 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 मैम प्लीज मैम प्लीज प्लीज प्लीज। अरे बच्चों पर प्रिंसिपल के स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं कि 2 पीरियड तो पढ़ाई करनी करनी है। मैम आज इंडिपेंडेंस डे है मैम, प्लीज मैम प्लीज 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 मैम प्लीज मैम प्लीज प्लीज प्लीज। मैडम आप बोलोगे तो हम सब घर से पढ़ के आएंगे, बोलो पढ़ के आओगे ना घर से? मैम देखो सारे बोल रहे हैं सब पढ़ के आएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन कोई भी बच्चा शोर नहीं करेगा, अगर तुम्हारा शोर 7 वाली क्लास तक चला गया ना तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी डांट पड़ जाएगी प्रिंसिपल सर से, और फिर तो मुझे तुम्हें पढ़ाई करानी पड़ेगी। ठीक है मैडम ठीक है, कोई शोर नहीं करेगा। मैडम प्लीज पढ़ा दो ना। अरे तुम चुप रहो। अच्छा चलो एक काम करते हैं, जिस बच्चे को जो जो आता है ना सामने आओ और करके दिखाओ। जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल ही जाना रे। अरे चिल्लाओ चिल्लाओ। सर
जाओ जाके बैठो अपनी सीट पे। अरे मैडम, ये बच्चे इतना ज्यादा शोर क्यों कर रहे हैं? वो अरे सर, वो क्या है ना, इन लोगों ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था तो मैंने इन्हें आंसर दिया, तो ये लोग आंसर सुन के कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो गए, इसीलिए थोड़ा शोर हो गया। चलो कोई बात नहीं मैडम, कोई दिक्कत हो बताना। देखा, मैंने तुम लोगों को बोला था ना शोर नहीं करने को। देखा ना, साथ की क्लास वाले सर आ गए। अब अगर तुम लोगों ने शोर किया ना तो बहुत पिटोगे, अभी तुम्हारे साथ साथ मैं भी फंस जाती। ठीक है मैम, ठीक है, कोई शोर नहीं करेगा। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ बेटा, अब क्या करना है तुम्हें? मैम मुझे गाना गाना है। अच्छा ठीक है, गाओ सुनाओ। टन टना टन 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 टारा। ए चुप हो जाओ, कोई और अच्छा गाना गाओ। ये क्या गा रहे हो? समझो ना, कुछ तो समझो ना। छी 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 छी, ये तो उससे भी बकवास है, कोई अच्छा सा गाना गाओ ना। अरे मैडम, अब जो आपको गाना सुनाएगा ना, आपको सुन के मजा ही आ जाएगा। अच्छा देखती हूँ, चलो सुनाओ। अरे हेमा रेखा जया और सुषमा, सबकी पसंद निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा निर्मा, वॉशिंग पाउडर निर्मा निर्मा। वाह बेटा वाह, मौज कर दी। ओए ये क्या आवारा गर्दी हो रही है मेरी क्लास में, और तुम बेंच के ऊपर कैसे चढ़ गए? अरे मैडम बहुत आसान है, पहले राइट पैर फिर लेफ्ट पैर। मैं देख रही हूँ ये क्लास बहुत ज्यादा बदतमीज होती जा रही है, नीचे बैठो। मैडम प्लीज पढ़ा दो ना। अच्छा टेस्ट लेना था ना, टेस्ट ही ले लो। अरे तुम चुप रहो, तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम्हें पता नहीं आज 15 अगस्त है, चुपचाप बैठो। मैम प्लीज पढ़ा दो ना, एक ही पीरियड पढ़ा दो। तुम ना चुपचाप बैठ जाओ, अब क्लास सीधा तुम्हारी कल होगी। मैम शायद आपको बाहर कोई बुला रहा है। ओ, अच्छा चलो ठीक है, मैं अभी आती हूँ, लेकिन सारे शांति से बैठना, कोई शोर नहीं करेगा। बच्चों अब किसी भी टाइम आप लोगों का फंक्शन स्टार्ट हो सकता है। अरे अरे अरे, ऐसे जंगलियों की तरह काम भाग रहे हो, लाइन लगाओ। टीचर की तो सुनते ही नहीं है, पागल कहीं के। अरे लोकेश मास्टर जी। हाँ जी सर जी। फंक्शन चालू होने वाला, तैयारियां करवाओ। अरे सर जी डोंट वरी, आई एम है ना, टेक केयर। ओके जी ओके। अब आराम करो, फंक्शन स्टार्ट हो गया। चलो वहां पर, चलो भाग चल। अबे फंक्शन स्टार्ट हो गया, वहां पर चले जाओ, आराम करो, झूले झूल रहे हैं। खड़ा हो, सबसे कमजोर लड़का भी यहां पर बैठा है, आगे से। अबे स्कूल में फोन लेके आते हो, फोन दो। सर सर, आज तो फंक्शन था ना, इसलिए लेके आए थे। अरे फंक्शन था तो फंक्शन अटेंड करना। मैं प्रिंसिपल महोदय आप सभी बच्चों को इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी बधाइयां देता हूं। तो आज की शुरुआत हम करेंगे सरस्वती पूजा के साथ। Thank you.
तो बच्चों अब हम अपने फंक्शन की शुरुआत करेंगे और अब मेरे बात होस्ट करेंगी ऐश्वर्या मैडम। अरे मैडम अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें भी साथ ले लो। अब सामने देखो हरामखोर कहीं के। तो बच्चों जैसा कि प्रिंसिपल सर ने बताया अब आगे का फंक्शन होस्ट करूंगी मैं, तो दिलों को थाम लीजिए क्योंकि हमारे 12th क्लास के प्यारे प्यारे बच्चे अब आ रहे हैं एक डांस परफॉर्मेंस लेके। डांस उधर हो रहा है, सामने देखो। शान करके रख दिया है, अब की बार वापस ही नहीं आऊंगी। मत जा रे, मत जा। वाह क्या परफॉर्मेंस दिया है हमारे 12th क्लास के बॉयज ने। तो अब हमारे सामने आ रही हैं हमारी 11th क्लास की प्यारी सी सिब्बू अपना सिंगिंग परफॉर्मेंस लेके। तालियां। देने मार देने खींच के तमाचा ही हंस दिले, ही हंस दिले रिंकिया के पापा, ही हंस दिले। एक मिनट बच्चों, आप सभी को छुट्टी के टाइम मोतीचूर के लड्डू मिलेंगे, तो सभी ले जाएं और भूले नहीं। भाई मेरे को तो पहले से पता था लड्डू मिलेंगे, मैं घर से पन्नी लेके आया था, भर भर के ले जाऊंगा। मैं तो अपने घर वालों के लिए भी लेके जाऊंगा। मैडम वैसे सबको कितने कितने लड्डू मिलेंगे? तुम ये सब छोड़ो और जो भी बच्चा 15 अगस्त की तैयारी करके आया है एक एक करके आओ और अपना परफॉर्मेंस दिखाओ। मैडम मैं अपनी क्लास का मॉनिटर हूँ, मैं परफॉर्म करके दिखाऊँ क्या? ठीक है आ जाओ, लेकिन एक बात बताओ तुम करोगे क्या? तुम बोलने में ना बहुत तेज लग रहे हो, एक काम करो इधर आओ और 15 अगस्त की स्पीच दो। चलो पंद्रह अगस्त बहुत ही बढ़िया होता है और 15 अगस्त के दिन बहुत मजे आते हैं। 15 अगस्त 14 अगस्त के बाद आता है और 15 अगस्त 15 अगस्त को आता है। 15 अगस्त हमारे देश में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 15 अगस्त होता है। 15 अगस्त बच्चों के लिए बहुत खुशियां लेके आता है क्योंकि इस दिन स्कूल की छुट्टी होती है। 15 अगस्त का एक और फायदा है, इस दिन स्कूल में मोतीचूर के लड्डू मिलते हैं। yes! सभी बच्चों की तरफ से सरकार से ये मांग की जाती है कि 15 अगस्त कम से कम 10-15 दिन चलना चाहिए ताकि हम 15 अगस्त को धूमधाम से मना सके। धन्यवाद। क्या गा रही हो, कौन सा गाना है ये? बैठो अपनी सीट पे। मैडम हम लड़कों ने भी डांस और गाने की प्रिपरेशन कर रखी है, हमारा भी टैलेंट देखो। हाँ हाँ आ जाओ तुम लोग भी आओ, दिखाओ क्या तैयारी करिए, आओ। काट के कलेजा दिखा देंगे, मम्मी से तुमको मिला देंगे। ओए ओए शर्मा गई का, फोन काट दिए, मम्मी आ गई क्या? हे मम्मी आ गई क्या, तुम मार खा गई क्या? Once more. ए मेरी जोरा जबी फुरकत गम मिटा जा, इश्क का चांद देखा जा, जुमे रात रात है आजा, रात साथ निभाजा, साथ साथ निभाजा, जुमे रात रात है आजा, रात साथ निभाजा, साथ साथ।
साथ निभाजा, साथ निभाजा। बस करो, क्या गाना गा रहे हो? बैठो अपनी सीट पे। सारा मूड खराब कर दिया। साथ साथ निभाजा, साथ साथ निभाजा। पोसम पा भाई पोसम पा, लाल किले में क्या हुआ, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। मेरा गोरा रंग से, मेरा गोरा रंग से काला सूट जमा, ओ मेरी कल्लो मेरी बल्लो, अरे मेरी कल्लो, अरे मेरी बल्लो, अरे मेरी कल्लो, अरे मेरी बल्लो बल्लो, अरे मेरी कल्लो बल्लो, अरे मेरी बल्लो बल्लो, ओ मेरी कल्लो मेरी बल्लो। मैडम, ये जो पीछे साहिल बैठा है ना, इसको बहुत अच्छी एक्टिंग आती है, इससे भी कुछ करवाओ। आजा साहिल, तू भी आजा, देखूं क्या टैलेंट है तेरे अंदर। आइए आइए। तुम सब लोग मेरे साथ साथ बोलना, ठीक है? ठीक है ठीक है। हिंदी वाले मास्टर को बोल दो कि स्कूल पे लगा दे ताला, ताला। हिंदी वाले मास्टर को बोल दो कि स्कूल में लगा दे ताला, ताला, ताला। मार डाला, हा हा हा, मार डाला, हा हा हा, मार डाला। ओए लड्डू बटने स्टार्ट हो गए ओए। तो बच्चों, अब आपको प्राइज दिए जाएंगे, उनको नहीं जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, बल्कि उनको जिन्होंने डोनेशन ज्यादा दी। सो थर्ड प्राइज गोज टू मानव, और मानव ने दिए थे 2000। अबे इसने तो कुछ किया भी नहीं। और सेकंड प्राइज मिलता है कुणाल को, कुणाल ने दिए थे 5000। एंड फर्स्ट प्राइज गोज टू निखिल, निखिल ने दिए 10000। बेटा आपकी ड्रेस का है? सर वो मेरे साइज की यूनिफॉर्म ही नहीं मिलती। चले ना सर, जिन्होंने 100-100 रुपए दिए थे उनका क्या, उनको क्या मिलेगा? अबे 100 रुपए की नान की प्लेट भी नहीं आती, और तुम्हें प्राइस चाहिए? चुप करके बैठा ना, और मिल रहे ना मोतीचूर के लड्डू, बड़ा आया। अरे भाई पैसा बोलता है, हम ठहरे गरीब। जाने जाने माने अधिनायक, जया रे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्रावण उच्चतल बंगा, विंध्यल हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल चल चितरंगा, सब शुभ नामे जागे, सब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा, जन जन मंगलायक जय रे, भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अरे बच्चों, स्कूल की छुट्टी हो गई है, सब लोग घर चले गए हैं, तुम लोग अभी तक यहाँ पे कैसे हो? मैडम हम अभी तक यहाँ पे इसलिए हैं
क्योंकि इंडिपेंडेंस डे पे देखो हर तरफ कितनी गंदगी फैल गई है, चारों तरफ बस अपनी कंट्री के फ्लैग्स वगैरह पड़े हुए हैं। तो इसी सब की सफाई करने के लिए हम लोग अभी तक यहाँ रुके हुए हैं। क्या बात है, पता है बहुत कम बच्चे ऐसा सोचते हैं। बहुत अच्छी बात है कि तुम लोगों ने ये सब सोचा। आई एम प्राउड ऑफ यू। और तुम लोग अकेले सफाई नहीं करोगे, मैं भी तुम्हारे साथ सफाई करूंगी। चलो सलामी दे तिरंगे को, जिससे तेरी शान है, सर हमेशा इसका ऊंचा रखना, जब तक दिल में जान है। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हे गाइस, विशिंग यू ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो इसी बात पे यार कमेंट कर दो, जय हिंद वंदे मातरम, अभी के अभी कमेंट कर दो यार। और गाइज देखो, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट बताओ। और मेरे को पता है वीडियो बहुत रिलेटेबल थी, आप सबके साथ भी ये सब चीजें होती होंगी। और जो लोग स्कूल पास कर चुके हैं, अगर उन्होंने वीडियो देखी तो आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी। तो कमेंट करके अपना फेवरेट पार्ट बताओ, जो आपको सबसे फेवरेट लगा वीडियो का। और एंड वाला पार्ट स्पेशली बहुत अच्छा था, तो वीडियो को शेयर कर देना। वो एंड में जो मैसेज है वीडियो के, वो हर जगह पहुंचना चाहिए। इस बार ये स्कूल की वीडियो बनाई, लेकिन इसमें भी कुछ अलग ट्राई किया। मेरे को पता है यार आप लोग स्कूल्स को बहुत मिस करते हो, जो लोग स्कूल पास कर चुके हैं वो लोग भी मिस करते हैं, और जो लोग फिलहाल अभी स्कूल में हैं वो लोग भी मिस करते हैं यार कोविड की वजह से, है ना। तो देखो यार, इसलिए मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई। तो आपका काम क्या है, लाइक शेयर कमेंट करना और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, फटाफट से 10 मिलियन करा दो। लव यू गाइज, कीप सपोर्टिंग, और बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा और फटाफट से आएंगी वीडियोज। बाय बाय, लव यू।